भोले वल्लभादीश की जय। गोसाई जी परम दयालु की जय। श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्रीनाथ प्यारे की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सब वैष्णवन को जय श्री कृष्ण। आप श्रवण कर रहे हैं श्री हरिराय जी के बड़े शिक्षा पत्र चतुर्थ पत्र और आज 15वां दिवस भाग 15 श्लोक संख्या 5 से प्रारंभ करें हैं। जय श्री कृष्ण। विरुद्ध धर्माश्रयत्वं स्वमुखाय विचारयेत् प्रभु कुमार एवास्ति ब्रजे मात्र पदांकगः। श्री भागवत वाक्येन कौमारं जहतु ब्रजे व्याख्यातं च तथैवास मदाचार्ये विव्रतावपि। शब्दार्थ। अपने सुख के अर्थ प्रभु को विरुद्ध धर्माश्रयत्व विचारे दो भैया ब्रज में कुमार अवस्था को राखत भई ऐसे वाक्य थे ब्रज में मात्र पदांगक पदांकग श्री यशोदोत संग लालित प्रभु कुमार ही हैं। श्री मदाचार्य जी ने श्री सुबोधनी जी में हूँ ऐसे ही वाक्य व्याख्यान कियो है। टीका। प्रभु को स्वरूप विरुद्ध धर्माश्रय है यह विचार भक्तजनों को अवश्य हृदय में करनो। वैष्णव मुख्य धर्म यही है जो प्रभु को विरुद्ध धर्माश्रयी जाने। काहे थे जो जहाँ ताई भक्तन को विरुद्ध धर्माश्रय को ज्ञान न होए तहाँ ताई प्रभु की लीला में असंभावना विपरीत भावना होए सो भक्ति बीज को नाश करे ताको प्रकार कहते हैं। जो प्रभु की लीला में संदेह आवे जो दामोदर लीला में प्रभु की कटी छोटी सी और दोए अंगुरी को बीच अंतर तामे श्री यशोदा जी दाम जोरत जाए तो हु दोए अंगुरी घटे सुके से यह दोष बुद्धि सो असंभावना और माखन के लिए प्रभु क्यों रोदन किए तथा मानादिक लीला में प्रभु ऐसो दैन्य क्यों करते हैं। या बात दोष बुद्धि आवे सो विपरीत भावना यह दोष कब जाए जब श्री ठाकुर जी को विरुद्ध धर्माश्रय जाने। यह मुख्य विचार वैष्णव को कर्तव्य है। प्रभु कुमार 5 वर्ष के परम सुंदर श्री यशोदा जी के अंक में विराजित हैं और भक्तन को सर्व लीला को अनुभव करावते हैं। प्रभु की सगरी लीला नित्य है आनंद रूप है। जैसे प्रभु आनंद रूप नित्य हैं तैसे ही प्रभु की लीला है सो आगे वर्णन करते हैं। श्री भागवत में नित्य लीला कहे हैं जो कुमार लीला ब्रज में राख के पौगंड किशोर वय की लीला किए कौमारम जहतुर ब्रजे। ब्रज में कुमार अवस्था को राखत भय तासु मनुष्य को बालपनों गए पीछे फिर बालपनों या जन्म में एक दिन हूँ ना आवे। और श्री ठाकुर जी सगरी लीला नित्य हैं। बाल अवस्था में किशोर लीला करते हैं किशोर अवस्था में बाल लीला करते हैं यह विरुद्ध धर्माश्रय प्रभु को जानने। ताई थे श्री भागवत में श्री सुखदेव जी कहे हैं कुमार लीला राख दूसरी लीला की है। यह श्लोक के व्याख्यान श्री आचार्य जी महाप्रभु निबंध श्री सुबोधनी जी शब्दार्थ विवेचन करी किए हैं जो नित्य लीला ठोर ठोर संपादन किए। ताही बात श्री आचार्य जी महाप्रभु पुष्टि मार्ग में सेवा प्रकट किए जामे वर्ष के जन्माष्टमी दान रास होरी फूल मंडली हिडोरा सब नित्य लीला को अनुभव साक्षात होते हैं। यह भावते वैष्णव नित्य लीला को भेद अभिप्राय जान स्मरण भजन करे। ब्रज एव कुमारश्च कुमारी भाव विद्धरी एकादश समास्तत्र गूढ़ार्जी सब लोग वशत एतद्वाक्यम मिश्र रूपम कुमारह केवलो हरि सामग्र्यपि तथेवास्ति यतो गोप्य कुमारिका। शब्दार्थ। कुमारिका की भाव जानवे वाले हरि ब्रज में ही कुमार हैं और
श्री भागवत के तृतीय स्कंद के द्वितीय अध्याय के 26वें श्लोक में लिखे हैं, जो 11 वर्ष गूढ़ प्रताप वाले श्री बलदेव जी सहित तहाँ ब्रज में बसे। यह वाक्य मिश्र रूप है, स्मृति में व्यापक रूप तथा ऐश्वर्य ज्ञानादि धर्म सहित तहाँ ब्रज में बसे। यह वाक्य मिश्र रूप है, स्मृति में व्यापक रूप तथा ऐश्वर्य ज्ञानादि धर्म सहित रूप को निरूपण है। 10वें स्कंद में कौमारम जहतुर ब्रजे, यह वाक्य में कुमार अवस्था ब्रज में राखी ऐसे निरूपण है। और तृतीय स्कंद में एकादश मास्तत्र गूढ़ार्ची सबलो वशत, यह वाक्य में 11 वर्ष ब्रज में बसे ऐसे मिश्र व्यापक कौमार तथा पौगंड किशोर अवस्था रूप प्रतिपादक वाक्य है। परंतु वस्तुतः केवल कुमार ही हरि हैं, काहे थे ब्रजभक्त ऋषि रूपा कुमारिका हैं और सामग्री हूँ तैसी ही है। टीका, ब्रज में प्रभु कुमार हैं, याते जो कुमारी जो 16,000 अग्नि कुमारिका 5-5 वर्ष की हैं, उनके भावनीय भावना में 5 वर्ष के प्रभु हैं। काहे थे रस शास्त्र में यह कहे हैं, जो जैसो भाव स्त्री को होए तैसो ही पति होए, तब रस विशेष होए। ताते कुमारिका को प्रभु कुमार रूप सो भाव की वृद्धि करते हैं, और 11 वर्ष की लीला ब्रज में सदा है। तामे बाल लीला ते पौगंड किशोर सभी करते हैं। कुमारिका के गूढ़ भाव सो कात्यायनी देवी को अर्चन कियो, गूढ़ भाव ते छिपाए याते जो हमारे भाव को श्री नंद राय जी श्री यशोदा जी आदि ब्रज में को न जाने काहे थे, जो गूढ़ भाव प्रकट भये थे रस जात रहते, ताते सबसो छिपाए कात्यायनी को अर्चन कुमारिका ने कियो। ताकर के श्री ठाकुर जी को अपने वश्य किए, कुमारिका को गूढ़ भाव प्रभु जान के चीर हरण कर सर्वांग दर्शन कर अलौकिक देह संपादन किए, पाछे वस्त्र हु अलौकिक करके दिए वरदान दिए, जो शरद ऋतु में रास कर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। सो रास में कुमारिका ते 11 वर्ष के किशोर वय धरके कुमारीन को जैसो रास में कुमार ते 11 वर्ष के किशोर वय धरके कुमारीन को जैसो मनोरथ हतो सो सब पूर्ण कियो। या बात गूढ़ भाव सो कात्यायनी को अर्चन कर कुमारिका ने प्रभु वश्य किए, या भात दोए वाक्य हैं, दोए प्रकार को भाव है। श्रुति वाक्य ते ऐश्वर्य भाव तथा श्री भागवत के वाक्य ते कुमार भाव, सो मिश्रित दोए रूप प्रभु के हैं। सो केवल कुमार रूप हरि कुमारिका के भाव करके हैं। यद्यपि प्रभु की स्थिति सगरे हैं, प्रभु के व्यापक धर्म ऐश्वर्य ज्ञानादिक विचार के मर्यादा मार्गोक्त प्रभु सगरे हैं, परंतु गोप कुमारिका के पास ही रसरूप प्रभु हैं। कुमारिका के भाव बिना रसरूप प्रभु तहाँ नहीं है, काहे थे जो भावात्मक रसरूप प्रभु पात्र बिना और ठोर रहे नहीं। ताते भाव रूप पात्र कुमारिका हैं, ताते कुमारिका के पास भावात्मक प्रभु हैं। आज शिक्षा पत्र को यहीं विश्राम करें, यहाँ से आगे की श्लोक आप कल श्रवण करेंगे। तो सब वैष्णवन को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।